हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सेंट्रल पूल कोटा के बारे में बताऊंगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आते हैं और कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, जो सेंट्रल पूल कोटा होता है वो कुछ डिपार्टमेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, डिपार्टमेंट्स को उनके स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अंडर जो जो डिपार्टमेंट आते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेकेंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पैरामिलिट्री, जिनके पेरेंट्स पैरामिलिट्री में हैं, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सिविल टेररिस्ट विक्टिम, जो सिविल टेररिस्ट विक्टिम्स है वो, फोर्थ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिशन स्टाफ पोस्टेड एब्रॉड, जिनके पेरेंट्स किसी देश के मिशन में किसी भी काम से बाहर एब्रॉड में पोस्टिंग है उनकी वो, मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो तिब्बत के रिफ्यूजीज हैं उनके लिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट रॉ एक्सेट्रा, जिनके पेरेंट्स रॉ आदि में काम करते हैं उनके लिए, जो उनके मेंबर हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ चिल्ड्रन वेलफेयर जिनको ब्रेवरी अवार्ड ये सब से सम्मानित है वो। तो ये 7 डिपार्टमेंट आते हैं। इन 7 डिपार्टमेंट में अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, काम करते हैं या इसके मेंबर हैं, तो आपको इस कोटे से एडमिशन मिल सकता है नीट 2019 में। तो इसके लिए अप्लाई करने का जो रूल होता है, वो आपके डिपार्टमेंट में ही एक फॉर्म अवेलेबल होता है, वो लेना लेकर भर के जब आपका नीट स्कोर आ जाता है, नीट का रिजल्ट आ जाता है, तो नीट स्कोर की कॉपी, 10th और 12th की मार्कशीट की कॉपी आपको अपने ही रिलेटेड डिपार्टमेंट में आपको जमा करनी होती है। और उसके बाद डिपार्टमेंट ही आगे इसको NTA को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आदि को आगे दे देता है और वो उसके बेस पर सीट अलॉट कर देते हैं। इसकी जो कट ऑफ होती है वो एग्जैक्ट तो कुछ पता नहीं है, बट जो ऑल इंडिया कट ऑफ होती है उससे 20 मार्क्स तक नीचे आती है। लाइक अगर किसी कॉलेज की 560 कट ऑफ है तो इस कोटे से 540 तक में एडमिशन मिल जाएगा। वाइज मैं बताता हूँ कुछ कैटेगरीज की, जो मुझे पता है सीट्स कितनी अवेलेबल होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कैबिनेट सेक्रेटरीट में MBBS की 6 सीट, BDS की 1, पैरामिलिट्री में MBBS की 15, BDS की 3, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में MBBS की 17, BDS की 3, इंडियन मिशन स्टाफ में MBBS के लिए 5 सीट्स, BDS की 0, सेल्फ फाइनेंस फॉरन में 30 MBBS की सीट्स हैं और BDS की 3 हैं। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल पूल कोटा थोड़ा समझाने की कोशिश करी। मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं किस स्टेट्स में कितनी सीट्स हैं वो सब आपको बताने वाला हूँ, MBBS और BDS दोनों की। तो ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही पिछली कुछ वीडियोस देख के आप हमारे चैनल से कुछ और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में अन्य नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।